बहुत समय पहले की बात है, आदि नाम का एक युवक था। एक दिन वह एक जंगल से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि सामने एक कुआं है। आदि को बहुत प्यास लगी थी, तो वह पानी पीने के लिए उस कुएं के पास गया। जब आदि ने उस कुएं में झांक कर देखा, तो उसने क्या देखा कि अंदर एक बाघ, एक सांप और एक आदमी फंसे हुए हैं। उन्हें देखकर आदि बहुत चौंक गया। तीनों ने आदि से उन्हें ऊपर खींचने और उनकी जान बचाने के लिए मिन्नतें की, लेकिन आदि बहुत डर गया था। अरे, ये तीनों अंदर कैसे चले गए? और यदि मैंने इनकी मदद कर भी दी, तो क्या ये मुझे जिंदा छोड़ेंगे? बाघ तो मुझे देखते ही खा जाएगा, और सांप भी तुरंत ही डस सकता है। ना बाबा ना, मुझे इनकी मदद नहीं करनी। लेकिन तभी बाघ ने उसे मिन्नतों भरी आंखों से देखा और उसे आश्वासन दिया कि यदि तुम हमारी जान बचाओगे और हमें पहाड़ निकाल लोगे, तो हम में से कोई भी तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सांप ने भी फुंकार मारकर इसी बात के लिए अपनी सहमति दे दी। अब तीनों को बाहर निकालने में आदि ने एक लंबी रस्सी कुएं के अंदर फेंकी। सबसे पहले उसने बाघ को निकाला। बाघ दोनों पंजों को जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, भाई, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप फिर से कभी इस जंगल में आओ, तो मुझसे मिलने मेरे घर जरूर आना। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी मदद का बदला चुकाऊंगा। और इस तरह बाघ आदि को नमस्कार करके धीरे धीरे अपनी मांद की तरफ बढ़ गया। अब आदि की बारी थी सांप को निकालने की। उसने रस्सी को फेंका, सांप उस पर लिपट गया और धीरे धीरे आदि ने रस्सी को ऊपर खींच लिया। जब सांप भी बाहर आ गया, तो उसने भी आदि से बोला, आप एक बहुत ही बहादुर युवक हैं। मैं वादा करता हूँ कि जब भी आपको किसी मदद की ज़रूरत होगी, मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊँगा। बस आप एक बार मेरा नाम ले लेना। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कहकर सांप भी झाड़ियों में छुप गया। और अंत में अब मनुष्य की बारी थी। जब आदि ने उसे भी पहले रस्सी के सहारे और फिर हाथ के सहारे ऊपर खींचा, तो वह बोला, धन्यवाद धन्यवाद भाई। मैं राजधानी शहर में सुनार का काम करता हूँ। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे दोस्त होने का वादा करता हूँ। यदि तुम कभी भी शहर आओ, तो कृपया मुझसे मिलना। मुझसे जितना संभव हो सकेगा, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। नए दोस्त बनने से खुश आदि ने अपनी यात्रा आगे के लिए शुरू की। कुछ वर्षों के बाद वह फिर से उसी जंगल से गुजरा, और जब वह उस जंगल से गुजर रहा था, तो उसे पुरानी घटना याद हो आई। उससे सबसे पहले बाघ का वादा याद आया। उसने सामने ही देखा कि बाघ की गुफा सामने ही थी, तो आदि ने निश्चय किया कि वह अपने दोस्त बाघ से मिलकर ही जाएगा। बाघ ने आदि को देखते ही उसका गर्म जोशी के साथ स्वागत किया, उसे जंगल के ताजे फल और पानी पीने के लिए दिया। जब आदि वहां से जाने लगा, तो बाघ ने उसे बहुत सारे कीमती आभूषण, बहुमूल्य रत्न और बहुत सारे गहने उपहार में दिए, और वह कहने लगा, दोस्त, यह मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है तुम्हारे लिए। उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगा। आदि उपहार पाकर बहुत खुश हो गया। उसे तो पता ही नहीं था कि वह इन गहनों का क्या करे। तभी उसे अपने मित्र सुनार की याद आई, और उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने दोस्त सुनार के पास जाऊं, उससे ये सारे गहने गलवा लूंगा और उसके बदले वह मुझे सोने के सिक्के दे देगा। उन सिक्कों को मैं अपने पास संग्रह करके रख लूंगा, और जब भी मुझे किसी काम के लिए जरूरत होगी, तो उन सिक्कों का उपयोग कर लूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। और ऐसा सोच विचार करके सुनार के पास चल दिया।
सुनार ने आदित्य का गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। उसे ठंडा नींबू पानी पिलाया और यात्रा के बारे में पूछा। आदि ने उसे बाघ से मिलने और उसके द्वारा दिए गए उपहारों के बारे में बताया और उसके बाद आदि बोला, सुनार भाई, मुझे तुमसे भी एक काम है, क्यों ना तुम इन गहनों को पिघलाकर इनके सोने के सिक्के मुझे दे दो, जिससे इन्हें संभालना मेरे लिए आसान हो जाएगा और कभी भी जरूरत के समय पर मैं इनका उपयोग कर पाऊंगा। आभूषणों को देखकर सुनार के होश उड़ गए। सुनार ने उन्हें कभी पहले अपने हाथों से ही बनाया था और वो भी राजा के छोटे भाई के लिए, और वही छोटा भाई जो कुछ महीने पहले जंगल में लापता हो गया था। राजा ने राजकुमार के बारे में जानकारी देने वाले को एक बहुत अच्छा इनाम देने की घोषणा भी कर रखी थी, लेकिन सुनार ने गहनों को देखकर यह राज आदि से छुपा लिया और मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं राजा से यह कह दूं कि इस युवक ने राजकुमार को मार डाला है तो वह निश्चित ही मुझे इनाम देंगे। सुनार ने आदि को कुछ देर आराम करने के लिए कहा। वह बोला, आदि भाई, तुम बहुत लंबी यात्रा से आए हो, तुम्हारे इन गहनों को सिक्कों में बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। पहले इन्हें गलाना पड़ेगा और फिर सिक्कों में ढालना पड़ेगा, तो तब तक तुम एक काम करो, आराम से यहाँ कुछ देर विश्राम करो, तब तक मैं ये काम कर आता हूँ। और ऐसा कहकर वह सीधे महल की ओर चल दिया। सुनार ने कहा कि उसे वह आदमी मिल गया है जिसने राजा के छोटे भाई की हत्या की थी। राजा ने आदि को बंदी बनाने के लिए सुनार के घर अपने सिपाहियों को भेजा और सिपाहियों ने उसे जेल कोठरी में बंद कर दिया। वहां उसे कई दिन बीत गए। अब एक दिन आदि जेल की कोठरी में उदास बैठा था, तभी उसे अपने दोस्त सांप की याद आई। उसने सांप का नाम पुकारा। थोड़े ही पलों में सांप वहां रेंगते हुए जेल में आ गया। मेरे दोस्त, कैसे हो, सांप ने पूछा, और तुम यहां जेल में क्या कर रहे हो? आदि ने सांप को सारी बात खुलकर बताई। तब सांप बोला, भाई, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है जिससे तुम बहुत आराम से इस समस्या से छूट जाओगे। और इतना कहकर सांप ने आदि के कान में वह योजना फुसफुसा दी। अगले दिन पूरे महल में यह खबर फैल गई कि रानी को एक सांप ने काट लिया है। उसके इलाज के लिए राज्य के बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। राजा इस बात से बहुत बौखलाए हुए हैं और उन्होंने यह भी घोषणा की है कि जो भी रानी को ठीक कर देगा उसे भारी रकम इनाम में देंगे। आदि ने अपने कक्ष के बाहर के सिपाही से कहा कि वह रानी को बचा सकता है। राजा ने तुरंत उसे बुलवा भेजा और आदि बोला, मुझे रानी के कमरे में अकेले ही प्रवेश करना है, कमरे में कोई और मौजूद नहीं होना चाहिए, नहीं तो इलाज काम नहीं करेगा। राजा ने पहरेदारों के लिए सख्त हिदायत छोड़ दी। राजा ने कड़क कर अपने पहरेदारों से कहा, इस मनुष्य के सिवा कोई भी रानी के कमरे में प्रवेश ना करे, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। आदि ने कमरे में प्रवेश किया तो वहां गहरा सन्नाटा था, सब कुछ शांत था। उसने एक बार फिर अपने दोस्त सांप को याद किया और उसका नाम लिया और सर्प तुरंत ही वहां प्रकट हो गया और वह आदि को देखकर मुस्कुराया और रानी के शरीर से उसने सारा विष निकाल दिया। आदि ने सांप के गायब होने से पहले उसे धन्यवाद दिया। कुछ देर बाद रानी ने आंखें खोली। राजा बहुत खुश हो गया। उसने आदि से कहा, नौजवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम जो भी इनाम चाहते हो मांग सकते हो, तुम्हें वही सब कुछ दिया जाएगा। अभी आदि ने कहा, महाराज, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप एक बार मेरी पूरी कहानी सुन लें। मैंने आपके भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है,
आप मुझ पर विश्वास करें। और इतना कहकर आदि ने अपनी बाघ, सांप और इंसान के कुएं से निकालने वाली सारी कहानी राजा को सुना दी। राजा ने आदि का कारावास रद्द कर दिया। उसने सुनार को बुलाया और बदले में उसे एहसान फरामोश होने के लिए दंड दिया और आदि को उसकी ईमानदारी के लिए उपहार दिए गए। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।